पहला स्कंद अध्याय संख्या 12 और महाराज परीक्षित का जन्म और श्लोक संख्या आज 26। तो आइए, राज ऋषीणाम जनहिता शास्ता चोत्पथगामिना निग्रहीता कले स भुवो धर्मस्य कारणात्। राज ऋषीणाम जनहिता शास्ता चोत्पथगामिना शास्ता च उत्पथगामिना निग्रहीता कले स भुवो धर्मस्य कारणात्। राज ऋषीणाम जनहिता शास्ता च उत्पथगामिना निग्रहीता कले स भुवो धर्मस्य कारणात्। राज ऋषीणाम जनहिता शास्ता च उत्पथगामिना निग्रहीताम कले स भुवो धर्मस्य कारणात्। तो रिपीट कीजिए आप लोग। हरे कृष्ण। यस मैम। हरे कृष्णा प्रभु जी तन्वर प्रणाम। राजश्रीना जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनां निग्रहिता कलेरेशा भुवो धर्मस्य कारणात्। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। राजश्रीना जनयिता शास्ता चोपथगामिनां निग्रहीता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात्। हरि हरि। और हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। राजश्रीनां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनां निग्रहीता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात्। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। यस। राजसीनां जनयिता शास्त्रचोत्पथगामिनां निग्रहीता कालेरेशः भुवो धर्मस्य कारणात्। हरि बोल। तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। ट्रांसलेशन दिखाइए माता जी। दिस चाइल्ड विल बी द फादर ऑफ किंग्स हु विल बी लाइक सेजेस फॉर वर्ल्ड पीस एंड फॉर द सेक ऑफ रिलीजन He will be the chastiser of the upstarts and the quarrelsome. तो ये जो बालक है परीक्षित महाराज के बारे में बात हो रही है। कल तो हमने कहा था कि ये श्री कृष्ण का अनन्य भक्त होगा प्रहलाद महाराज और बलि के समान और कई सारे अश्वमेघ यज्ञों को संपन्न करेगा और ये वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों को फॉलो करेगा। तो कल हमने बताया था दो तरह के लोग हैं जो अपनी मनमानी करते हैं और दूसरी तरह के लोग हैं जो वृद्ध लोगों को और अनुभवी लोगों को फॉलो करते हैं। तो आइए आज इसी बालक के बारे में बता रहे हैं ये ब्राह्मणगण कि बालक ऋषियों के समान होगा और ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा। विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त यह कार्य को दंड देने वाला होगा। ऐसा नहीं कि सबके साथ वही करेगा। जो बुरा व्यक्ति होगा जो उपद्रव मचाएगा समाज में उसको दंड देने वाला होगा। परीक्षित महाराज की बात कर तो उसके बाद तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत कृष्ण प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसके ये 26 श्लोक चल रहा है अभी 36 लास्ट है यानी कि 10 और बचे हुए हमारे पास। उसके बाद अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा धृतराष्ट्र महाराज के द्वारा ग्रह त्याग। तो संसार में सबसे विचक्षण व्यक्ति भगवान का भक्त होता है। ऋषिगण प्रज्ञावान व्यक्ति कहलाते हैं और ज्ञान की विविध शाखाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रज्ञावान व्यक्ति होते हैं। प्रज्ञावान मतलब जिनके अंदर बुद्धि होती। अतः जब तक राजा या किसी राज्य का अध्यक्ष
सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होता तब तक वह राज्य के सभी प्रकार के बुद्धिमान व्यक्तियों को वश में नहीं रख सकता। मैं ही बुद्धिमान नहीं हूं तो अपने नीचे वालों को कैसे वश में रख सकूंगा। इसीलिए जब भी कोई सीनियर अथॉरिटी खास बुद्धिमान नहीं होता है तो उसके नीचे वाले उसको नहीं सुनते, ये बहुत कॉमन है। तो इसी प्रकार से महाराज परीक्षित थे, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, और महाराज युधिष्ठिर के कुल की राजसी परंपरा में समस्त राजा बिना किसी अपवाद के अपने काल के सबसे अधिक विलक्षण व्यक्ति थे। और ऐसी ही भविष्यवाणी महाराज परीक्षित तथा उनके होने वाले पुत्र महाराज जन्मेजय के विषय में भी की जा रही थी। और ऐसे प्रज्ञावान राजा ही मर्यादा तोड़ने वालों को दंड देने वाले तथा कली अर्थात झगड़ालू तत्वों के विच्छेदक बन जाते। मान लिया कोई राजा का खुद ही इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, खुद ही वो उल्टे सुलटे काम कर रहा है, तो बताओ वो प्रजा को कैसे दंड दे पाएगा, किस मुंह से दंड देगा। लेकिन जब राजा पूरी तरह से इंद्रियों में संयमित होता है, धर्म के अनुसार जीवन जीता है और बुद्धिमान होता है, विलक्षण होता है, तो फिर वो राजा हर तरह के व्यक्तियों को अपने कंट्रोल में रख सकता है। लेकिन जैसे ही राजा थोड़ा सा भी डाउन हुआ तो उसके अंडर में रहने वाले लोग उसकी बात नहीं सुन पाएंगे। और इसी प्रकार से जैसा कि अगले अध्यायों से स्पष्ट हो जाएगा कि महाराज परीक्षित मूर्तिमंत कली का वध करना चाहते थे, क्योंकि वह शांति तथा धर्म की प्रति गाय को मारने का प्रयत्न कर रहा था। हम आगे देखेंगे कि कली महाराज क्या कर रहे थे, कलियुग जो है वो गाय को मार रहे थे, उनके सारे पैर तोड़ रहे थे धीरे धीरे करके। तो कली के लक्षण क्या है, कली के चार लक्षण है वास्तव में। पहली लक्षण है सुरा, दूसरी लक्षण है स्त्रियां, तीसरी लक्षण है ध्रुत कीड़ा, और चौथी लक्षण है पशुवध। तो सिम्टम्स और कली आर वाइन, वुमेन, गैम्बलिंग, स्लॉटर हाउसेस, तो ये चार तरह के। जहां कहीं भी मदिरा पान हो रहा हो, नशा हो रहा है, तो वो कलियुग का लक्षण है। जहां कहीं भी लोग स्त्रियों के पीछे हो तो समझ लेना कली का लक्षण है। जहां कहीं भी गैम्बलिंग हो रही हो, ध्रुत कीड़ा धोखाधड़ी हो रही हो, वो सब कलियुग है। और जहां पर पशुओं का वध हो रहा हो खाने के लिए, अपने जीव के लिए, तो वो कलियुग है। तो समस्त राज्यों के बुद्धिमान शासकों को महाराज परीक्षित से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि किस प्रकार उन मर्यादाओं को भंग करने वाले तथा उपद्रव करने वाले लोगों का दमन करके शांति और नैतिकता बनाई रखी जा सके। जो सुरा, सुंदरी, ध्रुत कीड़ा और नियमित रूप से चलाए जा रहे पशुवध केंद्रों से मिलने वाले मांस का सेवन करते हैं, तो परीक्षित महाराज अच्छे से इन लोगों को दंड देते थे। और प्रभुपाद कह रहे हैं सभी राजाओं को, सभी लीडर्स को इनसे सीख लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से हमें समाज की इन चारों बुराइयों की, जिनमें कलयुग का वास होता है, इन चारों को किस प्रकार दंडित करना है, ये परीक्षित महाराज से सीखना चाहिए। इस कलयुग में कलह उत्पन्न करने वाले इन विभिन्न विभागों को गतिमान रखने के लिए अनुज्ञा दिए जाते हैं, तो ऐसे राज्य में शांति तथा नैतिकता की आशा किस प्रकार की जा सकती है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि आजकल तो हम गवर्नमेंट खुद लाइसेंस दे रही है कि आप मीट बेच सकते हो, मीट बेचने को तो कोई खराब मानता ही नहीं, बताओ मांस बेचने को तो कोई खराब मानता ही नहीं, और ना ही मांस खाने को। दूसरा, वाइन को भी खराब नहीं मानते, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि आप लाइसेंस वाले अड्डों से दारू लो खरीद करके, बताओ तो केवल एक चीज को खराब मानते हैं अभी, चोरी को। इसीलिए कलयुग में चार के चार स्तंभ, तीन स्तंभ खत्म हो चुके हैं, बस एक स्तंभ रह गया है, वो है चोरी वाला स्तंभ, यानी कि गेमलिंग, झूठ बोलना। इसको लोग थोड़ा सा बेकार मानते कि अच्छा तुमने मुझे झूठ बोला, आप इस आदमी का विश्वास मत करना, ये तो झूठा व्यक्ति है, ये तो धोखा देता है। बस चीटिंग को आजकल थोड़ा सा खराब मानते हैं। बाकी आपने देखा होगा कोई मांस खाता है तो सब बोलते हैं कोई बात नहीं, अपनी अपनी डाइट है, पूछते हो आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन और इसी प्रकार से जब कोई ये अफेयर वगैरह करता है तो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करता है तो सब लोग बोलते हैं अरे ठीक तो है, आजकल सब चलता है, क्या करें, समय की मांग है, व्हाट वी कैन डू, वेरी वेरी बैड थिंग, बहुत गलत बात है ये सब, और पाप है एक तरह से। और तीसरा जो ये है, पशुवध हो गया, ध्रुत कीड़ा हो गया, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया, और सुरा,
वाइन को तो गलत मानते ही नहीं, उल्टा कल्चर हो गया। कहीं शादी होती है तो शादी के एक दिन पहले कॉकटेल पार्टी होती है, कॉकटेल पार्टी में दारू का ही चलन होता है। तो इस प्रकार से लोग देखिए किस प्रकार से लाइसेंस दे रहे हैं, किस प्रकार से इन तीनों पापों को बुरा नहीं मानते। और चौथा पाप जो थोड़ा बहुत अभी कलयुग के शुरुआत में जो पाप माना जा रहा है, वो भी धीरे धीरे लोग उसे कॉमनली लेने लग जाएंगे। तो ऐसे राज्य में बताओ जहां ये चारों चल रहे हो, वहां शांति कैसे हो सकती है? जिस घर में या फिर जहां पर किसी का मांस कट के आ रहा हो, किसी व्यक्ति के मृत व्यक्ति को हम खा रहे हो, मुर्दा को खा रहे हो, तो वहां पे लंबे समय तक शांति बनाई रह सकती है? ऐसा कैसे पॉसिबल? तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे राज्य में शांति और नैतिक बातों की आशा तो आप कर ही नहीं सकते। अतएव राजनेताओं को भगवान की शक्ति द्वारा अनुशासन को भंग करने वालों को दंड देकर तथा कलह के लक्षणों का उन्मूलन करके समझदार बनने के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यदि हम प्रज्वलित अग्नि चाहते हैं तो सूखे ईंधन का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रज्वलित अग्नि तथा गीले ईंधन का मेल नहीं हो सकता है। आप चाह रहे हो कच्ची लकड़ी लाओगे वो भी गीली, और गीली लकड़ी से आग जल जाएगी तो बहुत मुश्किल है, आपको सूखी लकड़ी लानी होगी। तो सूखी लकड़ी से आप आग जला पाओगे? और शांति तथा नैतिकता वही फल फूल सकती है जहां महाराज परीक्षित और उनके अनुयायियों के सिद्धांतों का पालन होता हो। जहां भी महाराज परीक्षित और उनके अनुयायियों का पालन होगा वहीं पर शांति आएगी, शांति कहीं और नहीं आ सकती। ऐसे नहीं कि विश्व शांति सम्मेलन हो रहा है और उसमें लंच के समय हम लोग चिकन बिरयानी खा रहे हैं, तो फिर कैसे शांति की उम्मीद कर सकते हैं? आप तो उस सम्मेलन में ही अशांति फैला दें। तो इस प्रकार से हम सबको इस बात को समझना होगा, और हम सब लोग डिवोटीज हैं, ये भक्ति के पथ पर आगे चल रहे हैं। भले बाहर के लोग नहीं समझते इस बात को कि ये तीनों भी अपराध है, लेकिन हम सबको समझना होगा कि ये चारों निश्चित रूप से बहुत बड़े अपराध हैं, बहुत बड़े पाप हैं। इन पाप कार्यों से हमें खुद ऊपर उठना चाहिए और जितना हमसे प्रयास हो सके अन्य लोगों से को भी ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। तो क्या क्या चाह रहे हैं? सुरा यानी कि किसी प्रकार का नशा नहीं करना, सुंदरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर बेकार, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये सब बेकार, और तीसरा मांस के सेवन नहीं करना, चौथा किसी को धोखा नहीं करना, असत्य नहीं बोलना। ये चार नियम हैं और इन्हीं नियमों को बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्कॉन कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद ने इन्हीं चार नियमों के ऊपर बल दिया है, इन चार नियमों का पालन करना है, सोलह माला का पालन करना है। लेकिन ये चार नियम और सोलह माला तब तक नहीं हो सकते जब तक हम नियमित रूप से भागवत अध्ययन नहीं करते हैं, मंगला आरती नहीं करते हैं, तब तक ये चारों चीजें नहीं हो सकती। इसीलिए इनको पालन करने के लिए हमें नियमित रूप से भागवत श्रवण करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से जो ऑलरेडी इन चार नियमों का पालन कर रहा हो। जो इन चारों का पालन नहीं करता और उससे आप रोज भागवत सुनते हो, तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि आप इनका पालन कर पाओ, क्योंकि जो बोल रहा है वो खुद ही पालन नहीं कर रहा है, तो वो आप में कैसे ट्रांसफर कर पाएगा? क्योंकि हियरिंग मीन्स नॉट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंटेंट, हियरिंग मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्सियसनेस, चेतना का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जिससे हम सुनते हैं ना उसकी चेतना शरीर में आती, हमारे उसमें आती, ठीक है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। दिव्यांशु संसार दावान ललित ढलोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वं, संसार दावान ललित ढलोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वं, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंद महाप्रभो की धन नित्य आदित्य माध्यान मन सुर सेना रोमांच कंपा सुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरण अरविंद
शिवग्रहारा धन नित्यनाना श्रृंगारतन मंदिर मर्जनातीन श्रृंगारतन मंदिर मर्जनादो युक्तस्य भक्तान् चनिञ्जतोऽपि वन्दे गुरौ श्रीचरणारविन्दम् ओ चतुर्विधाशी भगवत्प्रसादो स्वादानतृप्ता हरिवक्त संज्ञा तृप्तैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरौ श्रीचरणारविन्दम् ओ श्रीरविकुञ्ज चतुर्विधाशी भगवत्प्रसादो स्वादानतृप्तान् हरिवक्त संज्ञा कृतैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरौ श्रीचरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयुरपारं माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना प्रतिक्षणा साधनलोलुपास्य वन्दे गुरौ श्रीचरणारविन्दम् वंदे चरणारविंद ओ साक्षात् समस्त शास्त्र मुक्त किंतु प्रभोर्या वंदे गुरौ चरणारविंद यसाद भगवत्प्रसाद यसाद नंदति कुतोपि ज्ञान सुवंचतस्य वंदे गुरौ चरणारविंद वंदे गुरौ चरणारविंद वंदे गुरौ चरणारविंद वंदे प्रभुपा चरणारविंद वंदे गुरु चरणारविंद जय जय प्रभुपा प्रभुपा गुरुदेव गुरुदेव नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पार्श्वकामिनी श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव गौरभक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारि गोपीनाथ मदन मोहन चैतन्य नित्यानंद श्रीधर सीता हरि गुरु भागवत गीता हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Shyama Sundara Rajama Sundara Hare Radha Radhi Karam Radha Radhi Karam Hare Krishna Balaram Krishna Balaram Vrindavana Nam Vrindavana Nam Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva Jaya Subhadra Jaya Gaura Nita Gaura Nita Patita Pavana Gaura Nita Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Gurude 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 Nitai Gaura Haribo 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 Namaste Narasimhaya Salagalagadai Vrindavana Puravatana Idatankana Salai Sonashinga Parato Narasimha Yato Yato Yamika Tonashinga Vajinashinga Vidaye Narasimha Narasimha Madhi Sharanam prapade tava kara kamala vare naha adbhuta shrinkala dalita hiranyakashipu tanumenda keshava drishta hari rupa jai jagadish hare jai jagadish hare tam jai jagadish hare आइए भगवान नरसिंह देव जी से प्रार्थना करते हैं, हमारे दिन मंगलमय हो, हमारा दिन शुभ हो, हमारे भक्ति में आने वाली सभी बाधाओं का नाश हो। हम इसी प्रकार से रोज नित्य भागवतम श्रवण करते हुए भक्ति करते इस मनुष्य जीवन को सफल बना सके। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम। भक्ति विघ्न विनाशक श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त सिंह मणि प्रहलाद महाराज की जगत विठल प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। भगवत आरती की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ हृदय सुभद्रा सुदर्शन चक्र राधा श्याम सुंदर राधारानी करम विष्णु बलराम को श्री श्री वृंदावन धाम की जय। माया वर्णन धाम की जय। अयोध्या हरिद्वार का धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम की जय। बद्रिकाश्रम धाम की जय। सीताराम लक्ष्मण भगवान की जय।